दोस्तों मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारे बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसपे आप सभी को 1 करोड़ से लेकर 1 लाख 10 लाख 5 लाख के अंदर कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ है वो सारे आप सभी को बताए हुए हैं। आज के इस वीडियो पे वैसे तो बहुत सारे हैं 0 बिजनेस आइडियाज़, लेकिन आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को सिर्फ 5 आइडिया बताऊंगा। बाकी अगर और भी इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने के लिए 0 इन्वेस्टमेंट तो कमेंट में बताना। बाकी चलो जानते हैं कौन से ऐसे 5 बिजनेस है जिसको हम मतलब 0 तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000 कह सकते हो। चलो तो सबसे पहला जिसका नाम है ब्लॉगिंग। इस पे अगर आप पैसे की बात करो, अब ब्लॉगिंग तो एकदम फ्री 0 अमाउंट से भी कर सकते हो और अगर चाहो तो उस पे अमाउंट भी लगा सकते हो। अगर अमाउंट लगाओगे तो कम से कम 1000 रुपया लगने वाला है, नहीं लगाओगे तब भी 0 रुपया। तो 1000 मेरे हिसाब से बिजनेस करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग बनाओ। अब ब्लॉगिंग आपको क्या होता है नहीं मालूम है तो मेरे इस वाले चैनल पे जाओ, इन्वेस्टिंग बकचोदी, इसी नाम से वेबसाइट भी है मेरा खुद का और चैनल भी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट बनाकर पैसे कैसे कमाएं और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। ब्लॉगिंग से आप काफ़ी ढेरों सारे पैसे कमा सकते हो, ठीक है, और पैसे इसमें बिल्कुल ना के बराबर ही लगना है और जो आएंगे जो रिटर्न आएगा वो लाखों करोड़ों में आ सकता है। अगर आप सभी को नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, एक इंटरव्यू का लिंक है जिन्होंने वेबसाइट बनाकर लाखों रुपये कमाए हुए हैं जाकर। दूसरा ऐसा तरीका है जिसको जुड़े 0 रुपये से कर सकते हो, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? लेट सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है, आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि मैं आपका प्रोडक्ट बेच दूंगा, आप बस मुझे कुछ कमीशन दे देना। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको 10% दे दूँगा, ये जो मेरा सामान है ये 100 रुपये का है, अगर आप इसको बेचते हो बिचवाते हो, ठीक है, आपके थ्रू कोई कस्टमर आता है मेरे पास तो मैं आपको 10 रुपये दे दूँगा। तो इसी को कहते हैं फेयर मार्केटिंग। आप किसी के, बहुत सारी कंपनी है जैसे कि अमेजोन हो गया, उनके पास जाओगे उनका कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो कुछ परसेंट 5% 6% किसी किसी में 10% भी आपको मिल जाता है। तीसरा तरीका है जिसका नाम है योगा इंस्ट्रक्टर। अब इसमें तो कोई ज़्यादा पैसे ही नहीं लगने वाले, बस आपके पास एक कमरा वगैरह हो और अगर आपको योगा अच्छे से आती है तो आप योगा गाइड कर सकते हो, योगा का टीचर बन सकते हो। और आज के टाइम पर योगा की जो वैल्यू है, जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और टीचर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अगर आप योगा टीचर अच्छे हो तो सिखा सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। चौथा बिजनेस आइडिया है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस है जिसको आप 0 बिजनेस आइडिया से कर सकते हो, ठीक है, 0 बिजनेस कह रहा हूँ, 0 अमाउंट से कर सकते हो, ठीक है। अब सर्विस रिलेटेड है, कौन सा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, और अगर नहीं पता कर पाए हो तो कमेंट में ही बता देना कि नहीं मालूम है, मैं कमेंट में ही बताकर पिन कर दूँगा। लास्ट 0 अमाउंट बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग अगर आप सभी को नहीं मालूम यार तो आप सभी को कमेंट करना होगा या फिर मेरे इन्वेस्टिंग बकचोदी चैनल पर जाओ और वहाँ पर कमेंट करो, क्योंकि इस चैनल पर यार थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड बात होती है, ठीक है, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड और जो चारा मशीन, कटीला तार, बार बार की चीज़ हो गया और टोटी वगैरह हो गया, बहुत बेसिन हो गया, इन सब के रिलेटेड बात होती है और थोड़ा बहुत मैं आप सभी को बिजनेस आइडियाज़ बताता रहता हूँ। बाकी इसमें खिचड़ी नहीं पकाने वाला हूँ, अगर आप सभी को अर्निंग रिलेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल पर आपको जाना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब करना ही होगा। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।